नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मस्ट विजिट प्लेसेस पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के खूबसूरत हिल स्टेशन पटनी टॉप की। पटनी टॉप जाने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट वही होते हैं जो कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन को गए होते हैं। अगर आप भी माता वैष्णो के दर्शन को जा रहे हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा ज़रूर निकालिए और पटनी टॉप घूम के आइए। पटनी टॉप की कटरा से दूरी लगभग 85 किलोमीटर है और जम्मू से इसकी दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। हमने पटनी टॉप की यात्रा हाल ही में कटरा से करी थी, उसी के बेसिस पे इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रिप से रिलेटेड कंप्लीट लेटेस्ट और ए टू जेड सारी जानकारी दूंगा। कटरा से पटनी टॉप जाने का सबसे बेस्ट तरीका है टैक्सी। हमने ये टैक्सी अपने होटल से ही बुक करी थी। टैक्सी ने हमसे चार्ज किए 3400 रुपये, जिसमें इंक्लूडेड था फर्स्ट डे कटरा से पटनी टॉप जाना, पटनी टॉप में साइट सीइंग और नेक्स्ट डे पटनी टॉप से कटरा वापस आना। अगर आपकी वापसी की ट्रेन जम्मू से है तो पहले से ही टैक्सी बुक करते वक्त ये बात बोल दो कि वापसी में आपको जम्मू रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करे, ताकि आपको अननेसेसरी कटरा वापस ना आना पड़े। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप मॉर्निंग में कटरा से पटनी टॉप जाके दिन में घूम के इवनिंग में वापस भी आ सकते हैं। अगर बात पटनी टॉप में रुकने की करी जाए तो यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं जिनके रेट 1000 रुपये से 5000 रुपये तक हैं। दोस्तों, हमने अपनी बुकिंग होटल मिस्टी पाइंस में करी थी, जो कि हमें 1000 रुपये पर रूम पड़ा। हमारा एक्सपीरियंस इस होटल में बहुत अच्छा रहा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मस्ट विजिट प्लेसेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करते हैं पटनी टॉप में घूमने के प्रमुख स्थानों की। कटरा से पटनी टॉप की जर्नी हमने मॉर्निंग में सुबह 9 बजे शुरू करी। 11:30 बजे हम पटनी टॉप पहुँच गए। सबसे पहले हम नत्थर टॉप गए, जहाँ का बर्फ से ढका खूबसूरत पहाड़ों का व्यू हमारी मेमोरी में अब लाइफ टाइम के लिए कैप्चर हो चुका है। नत्थर टॉप के रास्ते में बहुत सारी शॉप्स पड़ेंगी जहाँ आप स्नो बूट्स और ठंड के कपड़े रेंट पे ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्नो बूट्स रेंट पे लेना चाहते हैं तो इसके चार्जेस 50 रुपये से 150 रुपये तक होंगे। मेरी मानो तो आप सबसे लास्ट में नत्थर टॉप के पास पहुँच के बूट रेंट पे लो, यहाँ आपको 50 रुपये में रेंट पे मिल जाएंगे। हमने यही शूज़ 150 रुपये में लिए। और अगर साथ में आप ठंड के कपड़े भी रेंट पे लेना चाहते हो तो टोटल आपको 300 रुपये देने होंगे। आप अपनी पटनी टॉप की ट्रिप में सबसे पहले नत्थर टॉप कवर करना, क्योंकि यही यहाँ का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ आप स्नो राइड भी कर सकते हो, जिसके आपको 50 रुपये देने होंगे। दोस्तों, नत्थर टॉप घूमने के बाद पंडोरा चौक पर बने पटनी टॉप पार्क ज़रूर जाएँ। देवदार और पाइन के पहाड़ों से घिरे ये खूबसूरत पार्क है। पटनी टॉप पार्क में जिप लाइन होती है, जिसके चार्जेस 300 रुपये हैं, या फिर आप हॉर्स राइड भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 300 से 500 रुपये पर पर्सन हैं। दोस्तों, इस पार्क में लेडीज़ के कपड़ों के शॉपिंग के लिए बहुत सारी दुकानें भी हैं, जहाँ शॉल्स, वूलन और कॉटन सूट सस्ते रेट पर मिल जाएंगे। इसी पार्क में जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के गेस्ट हाउस भी हैं, जिनके रेट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इनकी बुकिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, पटनी टॉप पार्क कवर करने के बाद हम नाग टेंपल भी गए। ऐसा माना जाता है कि बाबा गवा नाग देवता एक इच्छाधारी नाग थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। यहाँ पर इस मंदिर में उनका पिंडी रूप है। आप अपनी ट्रिप में यहाँ दर्शन ज़रूर करें। दोस्तों, आप चाहें तो स्काई व्यू पटनी टॉप भी जा सकते हैं। यहाँ पर 2.5 किलोमीटर की रोपवे जर्नी होती है, जिसके चार्जेस हैं 1180 रुपये पर पर्सन, जिसमें आप 15 मिनट की जर्नी करके नीचे जाओगे और फिर वापस आओगे। इस रोपवे से पटनी टॉप का बहुत ही सुंदर एरियल व्यू मिलता है। अगर आपके पास समय है तो आप पटनी टॉप से 20 किलोमीटर दूर सनासर लेक भी जा सकते हैं। ये भी पटनी टॉप का एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी वापसी की ट्रेन जम्मू से या कटरा से है तो आप पटनी टॉप से वापस आते वक्त 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लेके निकलो, क्योंकि इस रूट पे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लैंडस्लाइड भी होती रहती है, तो यहाँ कभी कभी काफ़ी जाम लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी पटनी टॉप ट्रिप से रिलेटेड सारी जानकारी। धन्यवाद।